नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम दो हफ्तों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे और हमें कई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया हमारे फेसबुक पेज पे, और ये वो यही पूछ रहे थे कि आपने वीडियो बनानी क्यों बंद कर दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम छोटा सा ब्रेक ले रहे थे और ये ब्रेक हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला था, लेकिन लोगों ने हमें कई मैसेजेस किए कि आप हाथरस पर कोई वीडियो बनाइए, हमें कुछ बताइए इस बारे में कि ये सब चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये सिचुएशन जो चल रही है इसको बढ़ाया जा रहा है। मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ तो इसे तूल दिया जा रहा है। हालांकि ये वर्ड यूज़ करना मेरा सही नहीं है, वो घटना गलत थी, जो भी हुआ उस लड़की के साथ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद जो हुआ, क्या वो लगता है आपको वो सही हुआ? वहाँ पर राजनीति की गई, राहुल प्रियंका गए, नाटकबाजी हुई, ये सारा सीन वहाँ पर हुआ, वो क्यों हुआ है? आप ये सोच सकते हैं, जो अभी हम इस चीज़ को ब्रॉड वे में देखें, जो रेप की घटनाएं हैं वो लगभग हर राज्य में होती हैं, रोज़ होती हैं। और मैं इसमें ना बीजेपी की तरफ हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, ना मैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ हूँ। मैं एक ब्रॉड वे में आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर आपको ये बात सही लगे तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, ना लगे तो भी हमें बताइए कि आपको मेरी इस बात से इनकार है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो भी ये सीन हुआ, ये राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्या राजस्थान में जो रेप हुए हैं वो छोटे रेप हैं? जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने यही बयान दिया था कि राजस्थान में जो हुआ वो एक छोटा रेप है और जो यूपी में हुआ है वो बड़ा केस है। तो आप समझ सकते हैं, और नई नई साजिशें खुलकर सामने आई हैं। साजिशें ये हुई थी कि एक वेबसाइट बनाई गई थी, ये वैसा ही दंगा करने वाले थे जैसा कि CAA के विरोध में दिल्ली के अंदर हुआ था, शाहीन बाग बनाया गया था, ये यहाँ पर भी हाथरस बाग बनाने वाले थे। हाथरस में भी दंगाई, ये दंगे करने की फिराक में थे, वेबसाइट बनाई गई, बकायदा उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि आपको कैसे कैसे प्रोटेस्ट करना है, उसमें तरीके बताए गए थे। उसके बाद से जो माँ है उसके भी कई बयान आए जो शुरू शुरू में रिकॉर्ड हुए थे। देखिए, ये घटना सामने आई थी 15 सितंबर 2020 को, और जो लड़की की मौत हुई अभी 4-5 दिन पहले, और जो मामले ने तूल पकड़ा वो पकड़ा मौत होने के बाद। लोग बोल रहे हैं कि परिवार की अनुमति नहीं ली गई, ना कि और ना ही वहाँ परिवार के लोग वहाँ पर उपस्थित थे जब दाह संस्कार किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वीडियो सामने आई है जिसमें जो लड़की के बाबा हैं और उनके पिताजी वो दाह संस्कार में मौजूद थे। अब ये बातें क्यों फैलाई गई कि ऐसा नहीं था या फिर ऐसा था, तो इसके पीछे की भी साजिश आपको समझनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, लोग अपना ओपिनियन बना लेते हैं, एक ही बात को सुनकर उन्होंने अपना एक ओपिनियन बना लिया। उन्होंने ये ओपिनियन बना लिया कि हाँ, जो घटना हुई वो गलत हुई, गलत है, वो ओपिनियन बना भी, लेकिन इस घटना को ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये जानबूझ कर किया गया हो। यूपी सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं रही है और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो ढील बरत रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी पूरे भारत में ढील बरतते हैं, लेकिन एक ऐसे मामले में जहां मीडिया ने इतना ज़्यादा बवाल रूप मचा दिया है वहां पे, कि लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ तो गलत हो रहा है और यूपी सरकार जो रेपिस्ट हैं उनका साथ दे रही है। देखिए दोस्तों, जो पहली रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये भी बताया गया था कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन अभी सुबह सुबह जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि हुई है। अब एक और रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, और जो पहले भी जो ये बताया गया था, पहले जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। ये जो बीच में जो रेप की पुष्टि आई है वो क्यों आई है, किसके दबाव में आई है, ये भी सवाल उठते हैं। भाभी की जो टेप्स आई थी जिसमें लड़की की भाभी है वो किसी करीबी रिश्तेदार से, लड़की के करीबी रिश्तेदार से ये कहती हुई कह रही है कि 25 लाख में मत मानना, हम 50 लाख में बात कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक की टेप है,
और तनुश्री की टेप है जो संवाददाता हैं आज तक के, उनकी भी टेप सामने आई है। और लोगों ने अपना ओपिनियन पहले ही बात पे ये बना लिया था कि हाँ यूपी सरकार रेपिस्टों का साथ दे रही है, वो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इस पे 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, 5 या 6 सस्पेंड कर दिए गए हैं। और आगे भी अब जब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, अब ये लोग सीबीआई की जांच से पीछे हट रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी यही कह रहे हैं, या फिर जो विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं वो भी इस सीबीआई जांच के लिए मना कर रहे हैं कि उनका सीबीआई जांच ना हो, नार्को टेस्ट ना हो। और जो लड़की का भाई है वो भी इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। ऐसा क्यों है? दुनिया चाहती है कि उसका केस सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि सीबीआई अच्छी तरीके से जांच करके उस केस को सोल्व कर दे, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही सीन चल रहा है। यहाँ पर सीबीआई को मना किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है किसी को नहीं पता, ना इस बारे में कोई सोचता है। तो जो साजिश फैलाई जा रही है, अब मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए कि ये साजिश होती है जिसमें आपको फंसाया जाता है मीडिया के थ्रू। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया भी लोग आजकल कहने लगे हैं कि मीडिया दो भागों में बट गया है, जो मोदी जी के साथ हैं और जो मोदी जी के खिलाफ हैं। ये आपको क्या लगता है, ये 2014 में ही शुरुआत हुई है कि मीडिया दो भागों में बट गया? ये पहले से ही दो भागों में बटा हुआ था। और मीडिया मीडिया को आप दो भागों में बांट ही नहीं सकते। मीडिया के लोगों को सिर्फ टीआरपी चाहिए होती है या उन्हें पैसा चाहिए होता है, जहाँ से जो चीज़ मिल जाए वो उसी के साथ हो जाते हैं। तो आप ऐसा मत मानिए कि मीडिया दो भागों में बट गया है। अगर किसी की पर्सनल दुश्मनी किसी से चल रही है तो वो उसके खिलाफ ही बोलेगा, आप समझ ही गए होंगे। तो ये मत सोचिए कि मीडिया दो भागों में बट गया है। दूसरा, अगर मीडिया ये खबरें नहीं दिखा रही है, एक मीडिया इस खबर को इतना उछाल रहा है कि वो पूरे दिन 24 घंटे इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और एक मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है और वो एक छोटी मोटी 2-4 लाइनें बता देते हैं उस केस के बारे में, तो आप इस चीज़ को भी समझिए। आप अपना ओपिनियन इस बात पर मत बनाइए कि हाँ ये 24 घंटे ये खबर दिख रही है तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, अगर वो अपोज में चल रही है तो। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई न्यूज़ चैनल इस खबर को नहीं दिखा रहा है तो भी ये मत समझिए कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। आप तब तक अपना ओपिनियन नहीं बना सकते जब तक कि आपको सच ना मालूम हो। जब आपके सामने सच होगा तभी आप ओपिनियन बना सकते हैं, वरना आपका ओपिनियन हर 24 घंटे बाद बदलता रहेगा, क्योंकि मीडिया वाले कभी भी एक साथ पूरा सच नहीं दिखाते। अगर वो एक साथ पूरा सच दिखा देंगे तो उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी, कैसे उनको एक एक दो दो लाइनों की खबरों पर एक एक घंटे प्रोग्राम कैसे चलाएंगे और उन एक एक घंटों के बीच एड्स कैसे आएंगे? देखिए सारा खेल ये एड्स का है। एक खबर को लेकर वो एक एक घंटे या दो दो घंटे का शो चलाते हैं, लेकिन आजकल वही खबर 24-24 घंटे की न्यूज बन चुकी है। तो आप अपना ओपिनियन किसी भी तरीके से मत बनाइए जब तक कि आपको सच ना मालूम हो। अगर आप ये सोचते हैं कि इंडियन मीडिया बट गया है तो मान लेते हैं, तो चलिए फर्ज कीजिए कि वो बट गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया नहीं बटा हुआ है? सोशल मीडिया पे भी आईटी सेल एक्टिवेट है, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, या सीपीआई के हों, कम्युनिस्ट हों, या लेफ्टिस्ट हों, कोई भी हों, तो सोशल मीडिया भी ऐसे ही बटा हुआ है जैसे कि नेशनल मीडिया बटा हुआ है। देखिए सोशल मीडिया पर भी फेक जानकारी फैलाई जाती है और नेशनल मीडिया से तो ज़्यादा ही फैलाई जाती है, क्योंकि नेशनल मीडिया पे कम से कम अगर कोई न्यूज़ बता भी रहा है, अगर फेक न्यूज़ बता भी रहा है, तो कम से कम उसमें 10% तो सच्चाई होती ही है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है जो उन्हें फॉलो करनी ही पड़ती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, आप कुछ भी कैसे भी फेक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो, वीडियो को मॉर्फ करके दिखा सकते हो, पिक दूसरी लगा कर दिखा सकते हो, कुछ भी, और लोग यकीन भी कर लेते हैं। तो ऐसा सोचना भी गलत है कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी आती है वो बिल्कुल सही ही होती है। और दूसरी चीज़ ये कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक आप दोनों पहलुओं को नहीं जान लेते आप एक ओपिनियन क्रिएट कर ही नहीं सकते, अपना नैरेटिव सेट कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको रिसेंटली का ये एग्जांपल देता हूँ। सबने ये खबर सुनी कि जो लड़की है उसका रेप हुआ और 3-4 लोगों ने रेप किया, लेकिन वहीं पर उस गांव में पूरी पंचायत बैठी है जहां उन्होंने फैसला किया है कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो बेकसूर हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया है?
क्या पंचायत वालों ने कुछ सोचा नहीं, वो सिर्फ लड़कों को बचाने में लग गए, या फिर कुछ और बात है। एक खबर ये भी आई थी जिसमें जो आरोपी हैं, जो लड़का है संदीप जिसका नाम सामने आया है, वो संदीप वहाँ पर था ही नहीं और वो अपनी किसी फैक्ट्री में था, जिसका सीसी फुटेज भी अवेलेबल है, जो सीबीआई जांच में जांच होगी तो आगे दिखाया ही जाएगा, तो वो पता लग जाएगा। तो जब तक आपके पास दोनों साइड की खबरें ना हों, तब तक आप अपना ओपिनियन क्रिएट ना करें, किसी के भी खिलाफ ऐसी बातें ना बोलें जो गलत खबरें समाज में फैलाती हों। अब यहाँ पर ये हुआ है कि जो केस है, पता नहीं वो रेप हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और जो सीबीआई में जांच में पता लगेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप कुछ नहीं कह सकते इसमें, इसके बारे में। आप रिसेंट में जो भी खबर आ रही है, अगर आप उसके बारे में बोल के कुछ नैरेटिव क्रिएट कर लेते हैं, ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मीडिया वाले ये खबर नहीं दिखा रहे हैं तो भी आप अपना ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर मीडिया वाले इसे 24 घंटे दिखा रहे हैं तो भी आप अपना ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपना ओपिनियन तब क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास सच हो, आपको पूरा सच पता हो, और सच अभी तक सामने आया ही नहीं है। तो पहले हम इंतज़ार करेंगे कि सच सामने आए, और फिर हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि ये सब किस लिए किया गया था, क्यों किया गया था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इनकी दंगों की साजिश थी, इनका मेन मकसद था दंगे फैलाना, वो नहीं हो सका। एक हद तक उन्होंने किया भी, लेकिन बच भी गए। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था कि दलित को मार दिया गया था और वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, तो 6 से 12 लोग मार दिए गए थे उसी पत्थरबाजी में। आज भी यही होने वाला था, यानी इस सिचुएशन में भी यही होने वाला था। कल RLD का एक प्रदेशाध्यक्ष वहाँ पर अपने समर्थकों को लेकर पहुँच गए थे, वहाँ भी लाठियाँ भांजी गई थी पुलिस के द्वारा उनके समर्थकों पर, और समर्थकों का पूरा ही सीन ये क्रिएट था कि जैसे ही लाठियाँ पड़े, क्योंकि उन्होंने ही उकसाया था पुलिस वालों को, क्योंकि वहाँ पर 144 लगा दी गई है धारा, और वहाँ पर जाने की किसी की इजाज़त नहीं है, फिर भी आप 100-150 लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही। बस उनका भी यही मेन मकसद था कि पुलिस जैसे ही लाठियाँ करे, लाठियाँ मारे, तो वैसे ही ये स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दें, जो कि ये शाहीन बाग में कर चुके हैं, जगह जगह पर करते भी रहते हैं। बात आती है ये कि एक ही मुद्दा क्यों उठाया जाता है। ये जो केसेस हैं ये पूरे भारत में होते हैं, इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, क्यों सिर्फ एक ही आदमी को, एक ही सरकार को टारगेट करके आप उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं जो असल में हुआ भी ना हो। अब CBI जांच में पता लग जाएगा कि वो क्या क्या चीज़ें थी, क्यों उसका भाई मना कर रहा था नार्को टेस्ट के लिए, क्यों वो CBI जांच के लिए मना कर रहा था, किसने 50 लाख रुपए देने की बात की थी, और ये सब क्या क्या हुआ था। तो सच सामने आए तब आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं इस बारे में कि सच में योगी सरकार ने आरोपियों का साथ दिया था या उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी। अब बात करते हैं सुशांत केस की। सुशांत केस के मामले में भी यही हुआ कि जो रिपोर्ट आई एम्स से, उसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि ये आत्महत्या ही थी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट जो 20% विस्केरा की जो रिपोर्ट थी उसके तहत आई है, यानी ना उसमें डेट मेंशन की गई है, ना जहर का टेस्ट है। तो जो शुरुआत में रिपोर्ट पुलिस के द्वारा भेजी गई थी उस आधार पर एम्स की रिपोर्ट आई है, और उस आधार पर तो खुदकुशी थी, ये तो पुलिस वालों ने पहले ही कह दिया था। लेकिन अब जो विकास सिंह हैं, जो उनके वकील हैं सुशांत केस में, उन्होंने कहा है कि मैं अब अपील करूंगा कि दोबारा एम्स के दूसरे जांच टीम बिठाई जाए और वो दोबारा इसकी जांच करें। अब परसों तक जो लोग कह रहे थे कि नेपोटिज्म है, खुदकुशी और ये सब, वो नैरेटिव बदल दिया गया। दूसरा नैरेटिव ये आया कि उनकी हत्या की गई। तीसरा नैरेटिव ये आया कि वो ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स के चक्कर में गए, जहर दिया गया,
फिर चौथा फिर से ये सीन पलट के आ गया कि उनकी फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। तो और इसमें हर वो मीडिया वाले मौजूद हैं, वो सब इसमें शामिल हैं जो पहले कहते रहे ये नेपोटिज्म है, फिर वो ड्रग्स है, फिर वो खुदकुशी है, फिर वो मर्डर हो गया, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप प्लीज़ न्यूज़ चैनल को देखकर या ना भी देखकर अपना ओपिनियन ना बनाएं। कुछ लोग न्यूज़ चैनल ना देखकर भी अपना ओपिनियन बना लेते हैं, वो कहते हैं न्यूज़ में तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही न्यूज़ फैलाई जाती है जैसे कि यहाँ पर नेशनल मीडिया में फैलाई जाती है। बस ये है कि नेशनल मीडिया पर कम से कम कुछ खबरें रियल तो होती हैं क्योंकि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपना ओपिनियन तब बनाएं जब आपको सच पता हो, किसी तीसरे की बात सुन के आप अपना ओपिनियन ना बनाएं। तो दोस्तों ये मेरे विचार थे इस केस के बारे में। आपको क्या लगता है कि ये सब क्या था? और अगर आप हाथरस के आसपास से इलाके से हैं तो वहाँ पर जो पंचायत हुई थी आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं कि वहाँ रियलिटी में जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट थी वो क्या थी, क्योंकि मीडिया में तो वो अपना नैरेटिव बताते हैं ना कि कोई खबर बताते हैं। तो आप हमें बताइए कि वहाँ असल में क्या हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो आप करते नहीं हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस आपके पास लेकर आते रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी हमने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट है। और आगे भी हम ऐसी जानकारी भरी वीडियोस बनाते रहेंगे और खबरों का रिव्यू भी करते रहेंगे साथ के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या देखना पसंद करते हैं, क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें जो हमने अभी इसकी शुरुआत की है खबरों का रिव्यू के नाम से। तो आप कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जानकारी भरी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर बद नमस्कार।